कब शेर बन जाए क्या पता। शेर तो नहीं है ये, भीगी बिल्ली ऐसी। यार थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया, इतना सोच के घर आज ही नहीं हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज संडे है, थोड़ा सा लेट हो गया हमें उठने में, और अभी हमारा टॉम अभी भी सो ही रहा है। तो यस, वैसे भी ये रात भर परेशान करता है, कभी पैर के पास आकर सोएगा, कभी बगल में आकर सोएगा, तो इसकी नींद नहीं पूरी हुई है लग रहा है। अभी भी ये सो रहा है टॉम। मिट उठ जा, गुड मॉर्निंग। तो इसका ऐसे ही है एक्चुअली, वह दिन भर सोएगा फिर रात भर खेलेगा। खैर, आप ये देख रहे हो, ये जो स्टेम्स, जो भी यहाँ पर पत्तियाँ नहीं है, ये सब टॉम की वजह से, क्योंकि टॉम जो है ये खा लेता है, पता नहीं क्यों। क्यों मनीष कहते हैं कि शायद जब पेट इन लोगों का दर्द होता है तो ये घास पत्ती खाते हैं, अब पता नहीं कैसे क्यों करते, इसका लॉजिक है मुझे तो नहीं पता, बट यही है जो टॉम ने ये सब काम किया है। ये है हमारी एलेक्सा, इसमें भी हमारा टॉम है, क्योंकि मनीष को सामने बिल्कुल टॉम की फ़ोटो लगा के रखना बहुत पसंद है, मतलब ये उनकी जान है ऐसा कहते हैं, राइट। और ये हो रखा है पूरा मेस, इसको हम पहले करते हैं क्लियर। ये हमने कल रात में ग्रीन टी पिया था और उसके बाद से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको चलते हैं वॉश करते हैं, ले आते हैं इसमें हम गर्म पानी पहले। पानी पी लो, उठो, गिर जाएगा पहले, ऐसे नहीं, ठंडा हो जाएगा मेरा। वैसे टॉम जो कैट्स होते हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी साफ सफाई, ये खुद ही चाट चाट के अपने आप को साफ कर लेते हैं, तो इनको स्पेशली नहलाने की या फिर बहुत ज़्यादा क्लीन वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इनके लिए आता ज़रूर है, वाइप्स आते हैं और भी चीज़ें आती हैं, आप इनको साफ रखो, तो वो हम कर देते हैं यूजुअली। हाँ यार, उसके नपन उससे डर लगता है ना, नाखून से लग जाएगा अपने आप। उनको भी कैट फैमिली, वही तो बात है, कब शेर बन जाए क्या पता। अरे शेर तो नहीं है ये, भीगी बिल्ली है सीरियसली। हाँ, डर के कैसे भाग के चला आता है, जहाँ गाड़ी की आवाज सुनेगा, किसी का भी आवाज सुनेगा तो घूरता, वो बात अलग है। हाँ तो अपनी असलियत तो दिखाएगा ही, अभी देखो जरा हालत इसकी। हाँ, अब मुझे डर तो लग ही जाता है जब ये एकदम घुर रहा है, तो हो गया टॉम, बाय। पता नहीं यार इसका नाम, सो गाइस कल हम गए थे सुपरमार्केट, वहां से हमें कुछ सामान लाना था, तो हमने कुछ फ्रूट्स भी लिया है, और उस फ्रूट्स में मुझे कोई दो फ्रूट्स वहां पर नया दिखा, पहली बार दिखा, मैंने कभी उसको ट्राई नहीं किया है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ले लेते हैं उसको, हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं क्या है। तो मैं दिखाती हूँ कि वो फ्रूट क्या है, और आप भी गेस करके बताइएगा कि उसका क्या नाम है। सो ये है वो फ्रूट, इसे बिल्कुल कह रहे थे वो लीची की तरह है, जो शॉपकीपर वाले भैया थे वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल लीची की तरह होता है, इसको हमें पील करना है और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो खाना होता है। और एक ये है, क्या बताया था इसका नाम, ये पैशन फ्रूट है, पैशन फ्रूट, और ये है रंबुतान।
रम्बुतान। रम्बुतान पैशन फ्रूट, ये स्पेशली होता है केरला साइड में। मैंने खाया है पहले ये। अच्छा, ये नहीं खाया मैंने, देखा मैंने है ये, बट यहाँ पे अक्सर मिलता है, बट मैंने खाया नहीं। ये मैंने खाया है पैशन फ्रूट। और मैंने इन दोनों में से दोनों ही नहीं खाए हैं, तो आज हम ट्राई करेंगे इसको कि कैसा होता है ये। तो ये है वो पैशन फ्रूट, कैसा है? इसमें चीनी ऐड कर दिया था कि थोड़ा ये खट्टा कम। ये पूरा बीज खा जाएंगे पूरा? हाँ, बीज नहीं है वो। ऐसे देते हैं केरला में चीनी से। ये लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा है, बहुत ज्यादा, इसलिए तो ऐसे खाते हैं। और तो इसको बस हमें ऐसे ही खाना है, इसका शेल हटा के ये खाना है बस। ओ वाओ, इसमें चीनी है। समथिंग डिफरेंट। इसको ऐसे घोलो क्योंकि बहुत ज्यादा सिट्रिक होता है ना, तो मतलब बहुत खट्टा लगता है। हल्का सा चीनी मिला लो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसेक्ट के छोटे छोटे अंडे हो। हाँ, exactly. लो खाओ। बहुत ज्यादा ओवर खट्टा है, सीरियसली। मतलब हाँ, शायद ऐसे नहीं खाया जा सकता, मुझे नहीं लगता। खाने वाले खाते होंगे बट इतना इजी नहीं है, इसको ऐसे ही खा लेना। सर रबड़ की तरह इसके अंदर का बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाएगा खाली, और इसे हम फेंक देंगे। मुझे लगा इसको बिल्कुल एप्पल की तरह काटना है और खाना है। मैंने खाया है ना, मैं तो नेचुरली जैसे फार्म में खाया है, मुन्नार में। मतलब आई गेस केरला साइड में जितनी पहाड़ी इलाके है ना, सब जगह होता है। हाँ, वो दुकान वाले भैया भी कह रहे थे मुन्नार केरला साइड में ज्यादा मिलता है। अब हम बारी है इस फ्रूट की, रम्बुतन। यार पता नहीं कैसे काटते हैं इसको, बट उन्होंने बोला भैया कि इसको पील करना है ऐसे। हाँ, लीची की तरह बोल रहे थे, बट वैसे लीची की तरह हो तो रहा है, बट उसके अंदर एक और पतली सी लेयर है। अच्छा, हाँ ये। ओ सीरियसली, टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, खट्टा होगा, क्या होगा, ये देखो। पहले मैं खाऊंगी, तुम खाओगे? आप खाओ पहले। मैं नहीं खा रही। लीची है, लीची का जो पल्प होता है ना, वो एकदम सॉफ्ट होता है। ये हल्का सा उससे हार्ड है, बट टेस्ट बहुत सिमिलर है। मीठा नहीं है उतना, लेकिन टेस्ट वाइज लीची ऐसा ही है। बट लीची का थोड़ा सा वो पल्प सॉफ्ट होता है, थोड़ा हार्ड है। हेलो, एक मैं खाऊंगा तुमको। तो बस हमारा आज ब्रेकफास्ट यही हो गया है। बनाना रखा है, वो खाना होगा वो खा लेंगे, और मैंगो रखा है वो खाएंगे। दैट्स यार, जो नॉर्थ इंडिया वाले मैंगो के फ्लेवर्स है ना, जैसे लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, मालदा हो गया, ये सब यहाँ पे कम मिलता है। तो हम लोग जब भी मिलता है मंगा देते हैं। तो ये ऑनलाइन मंगाया था, तो ऑनलाइन में ये होता है कभी कभी एक दो आम थोड़े से ज्यादा पके हुए निकल जाते हैं। हाँ। तो उसका बना रहे हैं मैंगो शेक, और इसमें जाएगा क्योंकि आज हमें जिम नहीं जाना, बट प्रोटीन तो लेना ही है। इसमें जाएगा एक स्कूप प्रोटीन, मैंगो फ्लेवर, वो भी मैंगो फ्लेवर। यस, हमारा ब्रेकफास्ट डन है। वहाँ क्या कर रहे थे? हेलो, तो हम वापस जा रहे हैं बिना स्पा मसाज लिए, क्योंकि एक्चुअली इनके पास अभी उन्होंने बोला कि शाम का स्लॉट मिलेगा, तो आप शाम में 6 बजे आ सकते हैं। बट अब अभी हमने बुक तो करा लिया, लेकिन ये श्योर नहीं है ना कि मतलब पूरे दिन में हम वेट करें, क्या पता कुछ और प्लान बन जाए जाने का। तो खैर कोई बात नहीं, लेना है आज अगर ले पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई है बारिश, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें भागना चाहिए पहले घर, एंड फिर हम आपसे मिलते हैं। सो गाइस, हम दोबारा आए हैं यहाँ पर। आई होप अभी, क्योंकि हमने 6 बजे का लिया था अपॉइंटमेंट, तो हमें आज मतलब दिन में थोड़ा बहुत काम था, बस वो किया, उसके बाद हम फिर आ गए हैं, क्योंकि कल से वीकडे स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा करने को। तो आई होप अभी उनके वर्कर्स फ्री हों एंड सर्विस के लिए, तो चलते हैं ऊपर। Thank you.
हेलो यहाँ का पूरा एम्बियंस जो है वो बहुत एस्थेटिक है सो इतना अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे बहुत डार्क हो रखा है कि लाइटिंग अच्छी नहीं होगी। मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। मनीष ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट टाइम, तो उनका ये सेकंड टाइम है। थर्ड टाइम है आपका। मैं देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस है। मैंने सुना बहुत है अलग इनका थेरेपी होता है, ठीक है। हर जगह वो कॉर्नर पर बुद्धास के स्टैचू बनेंगे, अंदर एक फ्रेगरेंस होती है, वो होती है। सो हमने डिसाइड किया है कि हम मीडियम प्रेशर वाला लेंगे रेजुविनेटिंग, एंड हमें ये क्लोथ्स दिए गए हैं जिसको हमें अभी वेयर करना है। तो मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ और बालों में वो पूछ रही थी कि ऑयल लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, बट मैंने अभी हेयर कैरेटिन कराया है तो मैंने मना कर दिया। बट फिर भी उसके हाथ में ऑयल था तो उसकी वजह से ये हो गया। तो उसके बाद हमने फिर शावर भी लिया, बहुत ही अच्छा था। और साथ ही मेकओवर भी डन हो गया है। मेकओवर क्या, सिर्फ बाल कट रहे हैं और दाढ़ी बन गई? हाँ, इधर लाइट नहीं आ रही है यार, इस तरफ लाइट आ रही है। हाँ, खड़े क्यों जाते हो, मेरी हाइट ही नहीं आती फिर। हाँ, हीरो लग रहा है, अच्छे लग रहे। अब मैं बात करूँ वहाँ के एक्सपीरियंस की, तो मेरा पहली बार था का दूसरी बार था मेरे लिए, मुझे ठीक है भाई तीसरी बार था, लेकिन बहुत अच्छा था। मतलब वर्थ था, अगर प्राइस वाइज बात करूँ तो बहुत ही अच्छा था। ट्रीटमेंट उनकी सर्विस अच्छी थी और वर्थ लगा मुझे। अरे कराना चाहिए यार, बॉडी मसाज कराना चाहिए। हम मतलब मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी मसल में खिंचाव रहता है, चाहे मसल में पेन रहता है, सोनेस रहती है, तो उसके लिए भी अच्छा है। और अगर अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो ना तो भी नॉर्मली मतलब मसाज आई थिंक 3-4 महीने में एक बार करनी चाहिए। जिम जो करते हैं उनको पता होगा कि यार जिम में कहीं ना कहीं से क्रैम्स आ जाते हैं, या फिर वैसे भी एक पेन बना ही रहता है, राइट। वो पेन वैसा पेन नहीं होता कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते या काम नहीं कर सकते। तो यस, ये जो आज का वीकेंड था ये बहुत ही अच्छा गया, रिलैक्सिंग वीकेंड जो, हाँ, सेल्फ पैम्पर था हमारे लिए। इनका भी ग्रूम अप हो गया। और यस, तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड खुश रहें। बाय बाय।